इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई हमें सिंप्लीफाई करना है इस स्टेटमेंट को तो हम लिख लेते हैं टू होल वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय टू होल वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन फाइव तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं टू टूज ऑफ फोर प्लस वन इज फाइव टू प्लस वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाय अगेन फाइव अपॉन टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन फाइव तो अब ये कितना आ जाएगा देखिए एल लिया टू और फाइव में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो टेन आ गया क्योंकि हमें पता है टू फाइव से टेन अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो फाइव की मल्टीप्लाई फाइव में प्लस वन की मल्टीप्लाई टू में होल डिवाइडेड बाय फाइव अपॉन टू डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा फाइव अपॉन वन तो ये कितना आ जाएगा देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव प्लस टू वन जो टू अपॉन टेन होल अपॉन ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव अपॉन टू वन जट टू तो ये कितना आ गया ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव अपॉन टू अब ये किस फॉर्म में आ गया देखिए ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में आ गया तो जब भी ऐसा होता है तो हम कैसे लिखते हैं उसको ए अपॉन बी दैट इज ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन मल्टीप्लाई बाय टू अपॉन ट्वेंटी फाइव डी अपॉन सी तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो टू आंसर टू टू फाइव जेन तो ये कितना आ गया अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव फाइव वन ट्वेंटी फाइव तो हमारा आंसर कितना आ गया ट्वेंटी सेवन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई हमें ये सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फाइव होल अपॉन वन माइनस थ्री अपॉन एट इन टू थ्री अपॉन फाइव तो ये कैसे करेंगे देखिए फोर और फाइव में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एल ले लेंगे तो यह आ गया फोर फाइव जो ट्वेंटी जब एल लिया है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो फाइव की मल्टीप्लाई वन के साथ प्लस फोर की मल्टीप्लाई वन के साथ होल अपॉन वन माइनस अब देखिए कुछ भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई थ्री थ्री इज नाइन एंड एट फाइव इज फोर्टी अब इसको क्या लिख सकते हैं फाइव वनज ऑफ फाइव प्लस फोर अपन फोर अपॉन ट्वेंटी होल अपॉन तो देखिए वन के नीचे भी कुछ नहीं है वन ही है तो एलसीएम ले लेंगे फोर्टी आ गया अब वन में फोर्टी की मल्टीप्लाई माइनस नाइन में वन की मल्टीप्लाई फिर से बता रही हूँ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दिया अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अब सॉल्व कर लेते हैं फाइव प्लस फोर इज नाइन अपॉन ट्वेंटी होल अपॉन फोर्टी वनज ऑफ फोर्टी माइनस नाइन वनज ऑर नाइन अपॉन फोर्टी तो ये कितना आ गया नाइन अपॉन ट्वेंटी एज इट इज फोर्टी में से नाइन गेज थर्टी वन अपॉन फोर्टी अब ये फिर से ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में हो गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी अब जो कैंसल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो ट्वेंटी टू जोटी दैट्स एट और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे तो एटीन अपॉन थर्टी वन इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में करना है डिवाइड थ्री अपॉन टेन बाय वन अपॉन फोर ऑफ थ्री अपॉन फाइव तो देखिए हमें डिवाइड करना है थ्री अपॉन टेन को डिवाइड करना है किससे वन अपॉइंट फोर ऑफ़ का मतलब मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फाइव ठीक है अब थ्री अपॉइंट टेन एज इट इज डिवाइड एज इट इज अब देखिए क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करना है और बीच में मल्टीप्लाई साइन है ऊपर नीचे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है जिससे हम इसको कैंसिल कर सके तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई थ्री वन जो थ्री एंड फोर फाइव जो ट्वेंटी अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए थ्री अपॉइंट टेन एज इट इज़ डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे और मल्टीप्लाई के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे थ्री से थ्री कैंसिल हो गया तो कितना बज गया टू बज गया तो टू इज़ द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन एर्ट ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू अपॉइन्ट फाइव डिवाइडेड बाय वन अपॉइन्ट ट्वेंटी वॉट इज द नंबर अगर वन एट्थ करें किसी नंबर का वो किसके इक्वल आएगा टू अपॉइन फाइव डिवाइडेड बाय वन अपॉइंट ट्वेंटी इक्वल आएगा तो हमें वो नंबर बताना है तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम उसको एक्स मान लेते हैं लेट द नंबर बी x. X वो नंबर है अब जैसे जैसे कह रहा है, वैसे वैसे कर रहे हैं वन एर्थ ऑफ नंबर इज इक्वल टू टू अपॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय वन अपॉइन ट्वेंटी या आ गया अब ये कितना आ जाएगा एक्स अपॉन एट इक्वल्स टू टू अपॉन फाइव एज इट इज़ डिवाइड हमें पता है मल्टीप्लाई बन जाएगा तो मल्टीप्लाई के बाद वाली वैल्यू reciprocal हो जाएगी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फ़ाइव फोर ज ट्वेंटी तो ये कितना आ गया x अपॉन एट एज इट इज़ upon अपॉन एट एज इट इज़ फोर टू ज़ा एट एट अपॉन वन लिखिए या एट लिखें बात एक ही है अब ये वाला जो एट है ये इधर चला जाएगा इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया तो एक्स कितना आ गया 64 फोर एट इट सिक्सटी फोर द नंबर इज 64 फोर इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है हीनास फादर पेड एन इलेक्ट्रिक बिल ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी आउट ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज नोट हिना के फादर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव रुपीज सेवेंटी पैसे का पाँच सौ रुपये में से हाउ मच चेंज शुड ही हैव रिसीव तो उनको कितने पैसे वापसी मिले ये बताना है तो टोटल अमाउंट कितना पे किया है हिनाज के फादर ने टोटल अमाउंट पेड बाय नास फादर दैट इज फाइव हंड्रेड राइट और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का था इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने का था फाइव हंड्रेड में से उतने काट के उनको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल था हमारा 385.70 पैसे का राइट right? तो हिनाज फादर रिसीव्ड कितने पैसे रिसीव किए हमें पता है हम दस की टॉफी लेने जाते हैं और हम उसको फिफ्टी का नोट देते हैं तो फिफ्टी में से टेन रुपीज़ माइनस करके वो हमें बाकी के पैसे दे देता है इसी तरीके से उन्होंने फाइव हंड्रेड रुपीज़ दिए उसमें से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्री हंड्रेड 70 एट्टी फाइव रुपीज़ सेवेंटी पैसे का था तो हमारे कितने पैसे बचेंगे देखिए फाइव हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड एंड एट्टी फाइव पॉइंट सेवेंटी पैसा पॉइंट के बाद कुछ नहीं दे रखा तो ज़ीरो ज़ीरो लगा देते हैं अब देखिए ज़ीरो में से ज़ीरो गए ज़ीरो अब यहाँ से फाइव से हमने क्या लिया कैरी लिया तो ये सारी वैल्यूज़ नाइन हो गई बीच की और ये टेन हो गई जिसने कैरी लिया टेन में से सेवन गैस थ्री नाइन में से फाइव गया फोर नाइन में से एट गया वन फोर में से थ्री गय वन तो हमारा कितना अमाउंट वापसी मिला है दैट इज़ हंड्रेड एंड फोटीन रुपीज थर्टी पैसा उनको मिलेगा आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हेन सावित्री विल इल हर टेम्परेचर रोज टू 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लेकिन जब सावित्री को बुखार हुआ उसका टेम्परेचर कितना हो गया 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाउ मेनी डिग्रीज अबव नॉर्मल वाज दैट तो कितना डिग्री अबव था ये बताना है कि उसको कितने डिग्री बुखार था एक तरीके से हमें ये बताना है तो सावित्री Temperature above normal is कितना था बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देंगे डिग्री फेरानाइट में से हम 98.6 डिग्री फेरानाइट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ 103.1 में से 98.6 माइनस करना है तो वन में से सिक्स नहीं जा सकता थ्री से कैरी लिया तो ये इलेवन हो गया एलेवन में से सिक्स गय फाइव टू में से एट नहीं जा सकता तो वन से कैरी लिया ये ज़ीरो हो गया ये नाइन हो गया और ये ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व में से एट गैस फोर नाइन में से नाइन गय ज़ीरो तो, तो दैट मीन्स कितना था टेम्परेचर फोर पॉइंट फाइव डिग्री फेरेनाइट ऊपर था नॉर्मल टेम्परेचर से आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मेट्रोलॉजी वन मेजर ऑफ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हम अगर टेम्परेचर देखें तो वन मेजर ऑफ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर शोज हाउ ईच ईयर वेरीज हमें हर एक ईयर का पता चल रहा है कितना वेरिएशन है हर एक ईयर में अगर हम टेम्परेचर देखें तो हर एक ईयर का राइट right? अब वो कह रहे हैं सी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग ऑर्डर द फाइव ईयर्स फ्रॉम कोल्डेस्ट टू वॉमेस्ट हमें ये सारे ईयर्स कोल्डेस्ट से वॉमेस्ट की तरफ टेम्परेचर मार्क करने हैं तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सी टेम्परेचर होगी जो माइनस की होगी माइनस का जितना बड़ी होती चली जाएगी वैल्यू उतना कोल्डेस्ट होता चला जाएगा टेम्परेचर तो अगर आप देखेंगे ये माइनस की वैल्यू ये वाली ज़्यादा बड़ी है तो दैट मीन्स ए पार्ट में 1964 में ज़्यादा कोल्डेस्ट है टेम्परेचर उसके बाद 1965 का है टेम्परेचर कोल्डेस्ट एंड देन आफ्टर दैट अगर हम देखें वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं राइट और पॉजिटिव साइड जितना बड़ा होता चला जाएगा जितनी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी पॉइंट के बाद की उतना वार्म होता चला जाएगा पॉजिटिव वैल्यू राइट तो अगर आप देखेंगे ये पॉइंट टू कहीं या पॉइंट ट्वेंटी कहीं बात यह की है तो इससे छोटी वैल्यू ये है दैट मीन्स 1965 से वार्म है टेम्परेचर 1958 का आफ्टर दैट हमारा टेम्परेचर 1978 का वार्म है और सबसे वॉम हमारा 2002 का वॉर्म है राइट right? दिस इज आंसर अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स द एवरेज टेम्परेचर वरीड बाय माइनस ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो डिग्री सेल्सियस अगर हमारा टेम्परेचर माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो डिग्री सेल्सियस से वरी कर रहा है नाइनटीन फोर्टी सिक्स में फ्रॉम द बेस मेजर बेस मेज़र से बिटवीन विच टू ईर्स शुड नाइनटीन फोर्टी सिक्स फॉल वेन द ईयर आर ऑर्डर्ड फ्राम कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट अगर कोल्डेस्ट से वार्मेस्ट की तरफ ईयर ऑर्डर किए जाएँ तो नाइनटीन फोर्टी सिक्स कहाँ लाए करेगा अगर उसका टेम्परेचर इतना है डिफरेंस फ्रॉम बेस टेम्परेचर इतना है तो तो अगर ये माइनस की वैल्यू देखें तो माइनस की वैल्यू यहाँ लाए करेगी देखिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर ये होगा इसको हम पॉइंट ज़ीरो थ्री पढ़ेंगे तो ये पॉइंट सेवेंटीन हुआ माइनस का ये माइनस का टेन हुआ और उसके बाद पॉइंट ज़ीरो थ्री तो दैट मीन्स नाइनटीन सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन फिफ्टी एट के बीच में लाए करेगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1946 फोटी सिक्स विल लाई बिटवीन देखिए हमें ये वाला ऑर्डर नहीं देखना है क्योंकि वो कह रहा है अगर हम ऑर्डर करें कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट हमने ये ऑर्डर बनाया था कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट का इसलिए हम अगर हम देखें तो यहाँ लाई करेगा तो 1965 से एंड 1958 के बीच में लाए करेगा टेम्परेचर आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हर साइंस क्लास ज्योति लर्न दैट द एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4.0030 ज्योति ने लर्न क्या किया साइंस क्लास में कि हीलियम का वेट कितना है 4.0030 है ऑफ़ हाइड्रोजन इज़ इतना हाइड्रोजन का है वन पॉइंट जीरो ज़ीरो एट जीरो ऑक्सीजन का है सिक्सटीन पॉइंट ज़ीरो जीरो 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 राइट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ हमें डिफरेंस किस का निकालना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का एटोमिक वेट का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन ऐटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन तो पहले क्या है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का वेट था सिक्सटीन पॉइंट जीरो 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 और हाइड्रोजन का वेट था वन पॉइंट जीरो जीरो एट जीरो तो कितना आ जाएगा साइड में कर हूँ सिक्सटीन पॉइंट ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो में से वन पॉइंट ज़ीरो जीरो एट ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो कैरी लिया ये टेन हो गया ये नाइन हो गए दोनों और ये फ़ाइव हो गया टेन में से एट गया इस टू नाइन में से ज़ीरो गया इस नाइन नाइन फाइव में से वन गया इस फोर एंड वन तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया दैट इज़ फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन टू ज़ीरो इस द आंसर अब बी पार्ट में कह रहा है हमें डिफरेंस निकालना है ऑक्सीजन एंड हीलियम का तो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम क्योंकि डिफरेंस कह रहा है तो पहले ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन का वेट लिख लेंगे और फिर हीलियम ले रखा है तो हीलियम का वेट लिख लेंगे ज़ीरो ज़ीरो थ्री जीरो तो ये कितना आ जाएगा साइड में माइनस कर रही हूँ सिक्सटीन पॉइंट जीरो ज़ीरो 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 में से फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री ज़ीरो माइनस करेंगे तो देखिए ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो अब ज़ीरो में से थ्री नहीं जा सकता तो कैरी ले लिया तो ये फाइव बज गया और ये दोनों नाइन हो गए तो टेन में से थ्री गया सेवन नाइन में से ज़ीरो गया नाइन नाइन फाइव में से फोर गया वन एंड वन तो ये कितना आ गया हमारा डिफरेंस इन द वेट दैट इज़ एलेवन पॉइंट नाइन नाइन सेवन जीरो इज द आंसर अब लास्ट पार्ट देखिए हमें हीलियम एंड हाइड्रोजन के वेट का डिफरेंस चाहिए तो सी पार्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन पहले हीलियम है हीलियम का वेट लिख लेते हैं फिर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का वेट लिख लेते हैं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा साइड में कर रही हूँ फ़ोर पॉइंट जीरो ज़ीरो थ्री ज़ीरो में से माइनस करेंगे वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट ज़ीरो तो ज़ीरो थ्री में से एट नहीं जा सकता कैरी ले लिया तो ये आ गया नाइन और ये भी नाइन थर्टीन में से एट गेस फाइव नाइन नाइन थ्री में से वन गेस टू तो हमारा वेट कितना आ गया हीलियम एंड हाइड्रोजन के डिफरेंस का दैट इज़ टू पॉइंट नाइन नाइन फाइव जीरो इज़ द आंसर ले नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मेज़रमेंट मेड इन साइंस लैब मस्ट बी एज एज़ एक्यूरेट एज पॉसिबल तो मेज़रमेंट जो साइंस लैब में होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो सके रवि मेजर्ड द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड एंड सेड इट वाज 19.34 सेंटीमीटर लॉन्ग रवि ने आयरन रॉड मेज़र की जिसकी लेंथ उसने कहा 19.34 सेंटीमीटर की है कमल सेट 19.25 सेंटीमीटर कमल ने उस रॉड की लेंथ 19.25 सेंटीमीटर निकाली एंड तबिश सेट 19.27 सेंटीमीटर और तबिश ने 19.27 सेंटीमीटर की कहा द करेक्ट लेंथ वाज 19.33 सेंटीमीटर लेकिन करेक्ट लेंथ 19.33 सेंटीमीटर की थी हाउ मच ऑफ एरर वाज मेड बाय ईच ऑफ द बॉयज तो हर एक बॉय ने कितने कितने की एरर की ये बताना है करेक्ट लेंथ कितनी थी करेक्ट लेंथ थी हमारी 19.33 सेंटीमीटर की राइट right? तो रवि के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ रॉड कितनी थी आयरन रॉड थी दैट इज 19.34 सेंटीमीटर की तो एरर कितने का आया 19. पॉइंट जितनी रवि ने बताई थी उसमें से करेक्ट लेंथ माइनस कर देंगे तो ये आ गई 0.01 सेंटीमीटर का एरर था राइट अब इसी तरीके से अगर कमल की देखें कमल के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ आयरन रॉड कितने की थी कितने सेंटीमीटर की थी लेंथ ऑफ आयरन रॉड थी हमारी 19.25 सेंटीमीटर की तो एरर कितनी आई दैट इज 19.25 की कही थी कमल ने लेकिन एग्जैक्ट थी 19.33 सेंटीमीटर की तो एरर की कितनी आई देखिए साइड में माइनस कर रही हूँ 19.33 में से 19.25 तो कैरी ले लिया 13 में से 5 गेज 8 तो 0.08 सेंटीमीटर की एरर आई अब इसी तरीके से तबिश की निकाल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ आयरन रॉड थी आयरन रॉड थी 19.27 सेंटीमीटर की राइट right? और एरर कितने की आई 19.27 सेंटीमीटर माइनस 19.33 सेंटीमीटर तो ये कितने की आ गई 0.06 सेंटीमीटर की एरर आई आंसर लेस यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है

और नीचे किससे डिवाइड करेंगे उसको ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फोर से अब सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ थी फाइव वैल्यूज़ थी तो नीचे वन के आगे फाइव ज़ीरोज़ लग जाएंगी और यहाँ पे पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद थ्री वैल्यूज़ थी तो थ्री ज़ीरोज़ लगे तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम टू नाइन सिक्स फोर इंटू वन थाउजेंड अपॉन फोर इंटू वन के आगे वन टू थ्री फोर फाइव जीरोस अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे तो देखिए थ्री जीरोस से थ्री जीरोस कैंसिल हो गई अब फोर वन जो फोर फोर सेवनज़ा ट्वेंटी एट सिक्सटीन फो फोर जो सिक्सटीन फोर वन जो फोर तो ये कितना आ गया सेवन फोर्टी वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड कहें या क्योंकि नीचे दो जीरोस हैं तो दो डिजिट पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट लग गया तो सेवन पॉइंट फोर वन हमारा क्या आ गया क्वेश्चन आंसर गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी से हम किस नंबर को डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन गिव्स द सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सेम आएगा एज 85 फाइव डिवाइडेड बाय जीरो अगर हम 85 को 0.625 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो वही क्वेश्चन आएगा जब हम किसी नंबर को 520 से डिवाइड करेंगे तो तो अब इसमें दो क्वेश्चंस बन रहे हैं राइट right? तो पहला क्वेश्चन है ये वाला और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला राइट दोनों का क्वेश्चन सेम है तो हम फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं क्वेश्चन कितना आएगा अगर हम 85 को डिवाइड करेंगे 0.625 से तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद थ्री डिजिट्स थी तो तीन जीरोज लग गई तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 85 फाइव इंटू वन थाउजेंड डिवाइडिड बाय सि ट्वेंटी फाइव तो कितना आ गया देखिए फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन फाइव फ़ाइव ज ट्वेंटी फ़ाइव फ़ाइव टू ज टेन और दो ज़ीरोज़ अगेन फाइव टू ज़ टेन फाइव फ़ाइव ज़ोर ट्वेंटी फाइव फाइव फोर ज़ ट्वेंटी फ़ाइव जीरो जो ज़ीरो फ़ाइव फ़ाइव ज़र ट्वेंटी फ़ाइव फ़ाइव एट ज फोर्टी फाइव वन जो फाइव फाइव सेवनटीन सर एटी फाइव सेवेंटीन एजिस वन थर्टी सिक्स अब हमें पता है क्वेश्चन सेम है दोनों पार्ट का तो तो हमारा क्वेश्चन आ गया वन थर्टी सिक्स डिवाइजर हमें पता है डिवाइजर है हमारा फाइव ट्वेंटी अब हमें डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड कैसे निकलेगा डिडेंट इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन इन टू डिवाइजर और अगर रिमाइंडर होता है तो हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो क्वेश्चन है 136 और डिवाइजर है 520 तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करके साइड में कर रही हूँ 136 को 52 से मल्टीप्लाई टू सिक्स जो ट्वेल्व कैरी वन टू थ्री जर सिक्स एंड सेवन टू वन जर टू फ़ाइव सिक्स ज़र्टी थ्री कैरी फ़ाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन फाइव वन ज़ा फाइव एंड सिक्स टू सेवन टेन एंड सेवेन तो हमारा आंसर कितना आ गया सेवन ज़ीरो सेवन टू और जीरो ये वाला राइट तो सेवेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हमारा डिविडेंट आ गया आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फ्लोर इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.6 मीटर वाइड एक फ्लोर है जो 4.5 मीटर लॉन्ग है और 3.6 मीटर वाइड है तो देखिए ये एक फ्लोर है जो 4.5 मीटर लॉन्ग है और 3.6 मीटर वाइड है आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है अ सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स कॉस्ट टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव पैसा वॉट विल बी द कॉस्ट टू कवर द फ्लोर विद दीज टाइल्स अगर हमारे पास स्क्वायर टाइल है सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल की सिक्स सेंटीमीटर कह रहा है तो सिक्स सेंटीमीटर सारी साइड्स हुई जिसकी कॉस्ट हमें दे रखी है तो हमें ये बताना है कि इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी तो कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका एरिया निकाल लेंगे हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है लेंथ ऑफ फ्लोर दे रखा है ऑफ फ्लोर जो कितने हैं फोर पॉइंट फाइव मीटर का और ब्रेथ दे रखी है ब्रेथ ऑफ फ्लोर दे रखी है हमें दैट इज थ्री पॉइंट सिक्स मीटर का अब इस पर स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं देखिए स्क्वायर टाइल्स है जस्ट सिक्स सेंटीमीटर की है तो हम एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले फ्लोर का तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ जाएगा हमें पता है लेंथ इन टू ब्रेथ होता है एरिया तो फोर पॉइंट फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री पॉइंट सिक्स से इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया तो साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ फोर पॉइंट फ़ाइव को थ्री पॉइंट सिक्स से सिक्स फाइव ज़ा थर्टी थ्री कैरी सिक्स फोर ज़ोर ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी सेवन थ्री फाइव ज़ फिफ्टीन थ्री फोर ज़ोर ट्वेल्व एंड थर्टीन तो यह आ गया ज़ीरो ट्वेल्व कैरी वन सिक्स एंड वन और दो के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट टू मीटर स्क्वायर हमारा फ्लोर का एरिया आ गया अब हम टाइल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें साइड कितनी दी हुई है टाइल की साइड ऑफ स्क्वायर टाइल स्क्वायर टाइल दैट इज सिक्स सेंटीमीटर तो एक टाइल कितना एरिया देखिए टोटल का एरिया को हम अगर टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम नंबर ऑफ टाइल्स बता सकते हैं क्योंकि हमें एक टाइल की कॉस्ट दी हुई है तो अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाए कितनी लगी है तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं वही करेंगे तो एरिया ऑफ वन स्क्वेर टाइल स्क्वेर टाइल एक टाइल का कितना एरिया हुआ साइड इंटू साइड होता है तो सिक्स इंटू सिक्स और यूनिट क्या हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर तो दैट मीन्स थर्टी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी एक टाइल का एरिया हो गया अब हम क्या करेंगे अब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे बड़े के एरिया को छोटे के एरिया से जब डिवाइड कर देते हैं तो नंबर निकल जाएगा तो हम एरिया ऑफ़ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल से तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है दैट इज़ सिक्सटीन पॉइंट टू और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कितना है एक टाइल का है थर्टी सिक्स ये मीटर स्क्वायर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इन टू टू टाइम्स हंड्रेड कर देंगे क्योंकि वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और वहाँ दो मीटर है इसलिए राइट अब पॉइंट हटाया नीचे एक ज़ीरो लग गई अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो एक ज़ीरो से एक जीरो गया टू वन जो टू टू एट जो सिक्सटीन टू एट जो सिक्सटीन टू वन जो टू नाइन टू जो एट्टीन नाइन नाइन ज़ा एट्टी वन टू वन जो टू टू फाइव ज़र टेन एंड ज़ीरो तो ये कितना आ गया नंबर ऑफ टाइल्स नाइन फाइव ज़र फोटी फाइव और दो ज़ीरो फोर्टी फाइव हंड्रेड टाइल्स हो गई इस फ्लोर पे लगने के लिए अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है सारी टाइल्स की और एक टाइल की कॉस्ट दे रखी है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ वन टाइल है दैट इज़ रुपीज़ ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव तो कॉस्ट ऑफ फोर्टी फाइव हंड्रेड टाइल्स कितनी होगी एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू फोटी फाइव हंड्रेड आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो ज़ीरोज़ लग गई तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल हो गई अब मल्टीप्लाई कर देते हैं टू थ्री टू फाइव को फोर्टी फाइव से तो फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव फ़ाइव टू जो टेन एलेवन ट्वेल्व सिक्सटीन एंड एलेवन फ़ोर फाइव जो ट्वेंटी टेन कैरी वन थर्टीन कैरी वन एंड नाइन तो ये आ गया फ़ाइव टू सिक्स फोर एंड टेन तो दैट मीन्स हमारे कितने रुपीस लगे इस फ्लोर को टाइलिंग कराने के लिए वन लैक फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज इज़ द आंसर लेज यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है सुनीता एंड रेहाना वांट टू मेक अ ड्रेस फॉर देयर डॉल्स सुनीता और रेहाना अपनी डॉल्स के लिए ड्रेसेस बनाना चाहती थी सुनीता hmm. हैज़ थ्री फोर्थ मीटर ऑफ क्लोथ सुनीता के पास इतना मीटर क्लोथ था एंड शी गेव वन थर्ड ऑफ एट टू रेहाना इसका वन थर्ड रेहाना को दे दिया तो हाउ मच डिड रेहाना है तो रेहाना के पास कितना क्लोथ था वो बताएंगे तो तो सुनीता के पास कितना क्लोथ था क्लोथ एट सुनीता इज थ्री अपॉन फोर मीटर अब उसने वन थर्ड क्लोथ दे दिया शी गेव टू रेहाना रेहाना को कितना दे दिया अपने क्लोथ में से जो थ्री फोर्थ था उसका वन थर्ड दे दिया तो कितना आ गया थ्री वन ज थ्री थ्री वन ज थ्री तो ये आ गया हमारा वन अपॉइंट फोर मीटर तो रेहाना के पास कितना क्लोथ था दैट इज़ वन अपॉइंट फोर मीटर इज़ द आंसर लेस यू नेक्स्ट क्वेश्चन ना इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फ्लावर गार्डन इज़ ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी मीटर लॉन्ग एक फ्लावर गार्डन है जो ट्वेंटी टू पॉइंट फिफ्टी मीटर लॉन्ग है शिला वॉन्स टू मेक अ बॉर्डर अलॉन्ग वन साइड यूजिंग ब्रिक्स दैट आर ज़ीरो पॉइंट टू फाइव मीटर लॉन्ग और शीला को उस गार्डन की एक तरफ बॉर्डर बनाना है ब्रिक का बनाना है और ब्रिक इतने मीटर लॉन्ग है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर लॉन्ग है हाउ मेनी ब्रिक्स विल ही बी नीडेड तो उसको कितनी ब्रिक्स लगेंगी उस गार्डन को बनाने के लिए उस गार्डन के बॉर्डर बनाने के लिए ये बताना है देख हमें लेंथ ऑफ द गार्डन दे रखी है लेंथ ऑफ गार्डन दे रखी है दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर फिफ्टी मीटर लॉन्ग और हमें उसके लेंथ पे ब्रेक से बॉर्डर बनाना है तो ब्रेक की लेंथ दे रखी है लेंथ ऑफ ब्रेक दे रखी है दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर राइट और हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स नंबर कैसे निकालेंगे बड़े के लेंथ से हम छोटी की लेंथ डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ गार्डन को हम डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ ब्रिक से तो देखिए लेंथ ऑफ गार्डन है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर फाइव जीरो लिख लीजिए या फाइव लिख लीजिए बात एक ही है और ब्रिक की लेंथ है जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर दो ज़ीरोज़ लग गई और यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे दो ज़ीरोज़ लग गई तो ये कितना आ गया दैट इज़ टू टू फाइव ज़ीरो इन टू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फ़ाइव टू हंड्रेड अब जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर देंगे देखिए हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो गया अब फ़ाइव फ़ाइव ज़ोर ट्वेंटी फ़ाइव फ़ाइव फ़ोर ज़ो ट्वेंटी फाइव फ़ाइव ज़ोर ट्वेंटी फ़ाइव एंड ज़ीरो फाइव वन जब फाइव फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव एन जीरो तो हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई नाइनटी इज द आंसर लेस यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच क्लोथ विल बी यूज इन मेकिंग सिक्स शर्ट छर्ट बनाने में कितना क्लोथ में लगेगा इफ ईच रिक्वायर्ड हर एक शर्ट को बनाने के लिए अगर टू होल वन अपॉइंट फोर मीटर ऑफ क्लोथ लग रहा है अलाउइंग वन अपॉइन एट मीटर फॉर वेस्टेज इन कटिंग एंड फिनिशिंग इन ईच शर्ट और साथ में वन अपॉइंट एट मीटर क्लोथ शर्ट की फिनिशिंग और कटिंग में वेस्ट में लग रहा है तो तो हमें टोटल क्लोथ छः शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिएगा वो ये पूछना चाह रहा है तो देखिए हमें शर्ट बनाने के लिए कितना क्लोथ नीड है पहले वो निकालेंगे एक शर्ट बनाने के लिए तो क्लोथ नीडिट टू मेक वन शर्ट वन शर्ट तो देखिए इतना तो हमें क्लोथ शर्ट बनाने के लिए चाहिए और इतना उसकी वेस्टेज के लिए चाहिए तो टोटल निकाल लेंगे तो टू होल वन अपॉइंट फोर मीटर प्लस वन अपॉइंट एट मीटर राइट तो ये कितना आ गया फोर टू ज एट प्लस वन इज़ नाइन अपॉन फोर मीटर प्लस वन अपॉन एट मीटर अब फोर और एट में कुछ ना कुछ कॉमन है तो एल निकाल लीजिए फोर और एट का तो टू से गया टू टू ज फोर टू फोर ज एट अगेन टू से टू वन ज टू 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 ज फोर अगेन टू से टू वन ज टू तो एल आ गया एट तो एट अब फोर टू ज़ा एट होता है तो टू की मल्टीप्लाई नाइन में देखिए फोर टू ज़ा एट होता है तो टू की मल्टीप्लाई इस नाइन में प्लस एट वन ज़ा एट होता है तो वन की मल्टीप्लाई वन में तो ये कितना आ गया टू नाइन ज़ा एटीन प्लस वन अपॉन एट अगर आप यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी नहीं आनी है पहले एक्सरसाइज़ करें फिर ये क्वेश्चंस करें तो ये कितना आ गया 19 8 मीटर क्लोथ चाहिए एक शर्ट को बनाने के लिए इंक्लूडिंग वेस्टेज एंड कटिंग राइट अब छह शर्ट को बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए वो निकाल लेते हैं क्लोथ नीडेड टू मेक सिक्स शर्ट्स एक की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 19 अपॉन एट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया टू फोर ज़ा एट टू थ्री जिक्स तो ये कितना आ गया नाइनटीन थ्री जज फिफ्टी सेवन अपॉन फोर मीटर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो देखिए फिफ्टी को डिवाइड करेंगे फोर से फोर वन ज फोर सेवेंटीन फो फो जो सिक्सटीन एंड वन बच गया तो ये कितना आ गया दैट इज़ फोर्टीन होल वन अपॉइंट फोर मीटर टोटल क्लोथ चाहिए छः शर्ट्स बनाने के लिए आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ